क्या आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है? आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा गलत हो रहा है जिससे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है ओव्यूलेशन अच्छे से होना, मतलब अंडा अच्छे से बनना चाहिए और अंडा टाइम पर रिलीज होना चाहिए। तो अगर आपका ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो दूसरा स्टेप आता है अंडा रिलीज होने के बाद अंडा अच्छे से फर्टिलाइज होना चाहिए। तो ओव्यूलेशन होने के बाद एग सिर्फ 24 घंटों तक ही रहता है, उसके बाद वो एग डेड हो जाता है। उसी दौरान रिलेशन रखना होता है ताकि वो एग फर्टिलाइज हो जाए। तीसरा स्टेप होता है वो फर्टिलाइज एग यूट्रस में चिपकना चाहिए। तो अगर एग यूट्रस में इम्प्लांट होगा तभी प्रेगनेंसी होगी। तो ये स्टेप्स अगर कंप्लीट होंगे तभी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये तीन स्टेप में से किसी एक स्टेप में प्रॉब्लम हो रही होगी, या ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आप सारी चीज़ें सही कर रही हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है जो ओव्यूलेशन के बाद नहीं करना है। ओव्यूलेशन के बाद जो दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अगर ये दिनों में प्रेगनेंसी प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको ओव्यूलेशन के बाद बिल्कुल नहीं करनी है? तो पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है आपको कोई भी तरह की मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। चाहे आपको सर्दी खांसी कुछ भी हुआ हो, बुखार हो, फिर भी आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है। अगर आप कोई मेडिसिन ले भी रहे हैं, सर दर्द हुआ उसकी मेडिसिन ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन लेना है, या फिर थोड़ा बहुत सर्दी खांसी वगैरह हो तो आपको ऐसे ही चलना है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ों पर मेडिसिन नहीं लेनी है। आप सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, इससे प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है आपको हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना है। तो ओव्यूलेशन के बाद बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, इससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, या अगर प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है ओव्यूलेशन के बाद आपको रिलेशन नहीं रखना है। अगर ओव्यूलेशन के बाद आपने रिलेशन रखा तो आपका फर्टिलाइज एग भी पीरियड्स के साथ बाहर आ जाएगा। तो ओव्यूलेशन के 20वें दिन के बाद आपको रिलेशन नहीं रखना है। चौथी चीज़, आपको ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश बंद कर देना है। ओव्यूलेशन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करना है। जो लेडीज़ ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश करती है, मतलब अगर पीरियड से 3-4 दिन पहले हेयर वॉश करती हैं तो तुरंत उसी दिन या उसी रात उनको पीरियड्स हो सकते हैं। तो आपको ओव्यूलेशन के बाद सिर पे पानी नहीं लगाना है। अगर आप ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश करती हैं तो आपका जो फर्टिलाइज एग होगा वो भी पीरियड्स के साथ बाहर आ जाएगा। तो अब हेयर वॉश कब करना है? तो आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फिर आप गायनी के पास गए और सोनोग्राफी में बच्चे की हार्ट बीट आपने देख ली और सारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद आप आराम से हेयर वॉश कर सकते हैं। बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद आपको हेयर वॉश करना है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई और पीरियड्स आ गए तो आप पीरियड के सेकेंड डे हेयर वॉश कर सकती है। ओव्यूलेशन के बाद से हेयर वॉश टिप आपको फॉलो करनी है तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव होगी। पांचवी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है ट्रैवलिंग। ओव्यूलेशन के बाद का समय बहुत नाजुक होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन भी हो गया और प्रेगनेंसी रुक गई, फिर आप ऐसे रास्ते में चले गए जहां बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह होते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है, इसलिए ट्रैवलिंग भी आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आप इन 5 गलतियों को अवॉइड करेंगे तो प्रेगनेंसी को बहुत सपोर्ट मिलेगा, फर्टिलाइजेशन अच्छे से होगा और इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा। फिर हेयर वॉश वाली ट्रिक फॉलो करेंगे और ट्रैवलिंग भी नहीं करेंगे तो मिसकैरेज होने से भी बच जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पहला फर्स्ट महीना होता है, सेकेंड महीना होता है, बहुत नाजुक होता है। बहुत छोटी सी प्रेगनेंसी होती है तो कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है तो तुरंत मिसकैरेज हो सकता है और पीरियड्स आ सकते हैं। तो इन 5 गलतियों का आपको खास ध्यान रखना है ताकि आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।